नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है डीआईवाई क्रिएटिव यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज का वीडियो काफी हेल्पफुल होने वाला है उन लोगों के लिए जो कि लिथियम आयन बैटरी के साथ हर समय वर्क करते हैं। क्यों होने वाला है? क्योंकि लिथियम आयन बैटरी काफी ज्यादा सेंसिटिव होता है, एज यू ऑलरेडी नो। तो इसे चार्ज करने के लिए यहाँ पर हमको कुछ इस प्रकार का चार्जिंग मॉड्यूल का यूज करना पड़ता है, सेफ तरीके से बैटरी को चार्ज करने के लिए। सो कई बार क्या होता है कि हमारे पास हर समय तो चार्जिंग मॉड अवेलेबल रहता नहीं है, और डायरेक्टली तो लिथियम आयन बैटरी को चार्ज करना इज नॉट ए सेफ डील। सो इसलिए आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को ऑटो कट लिथियम आयन बैटरी चार्जर सर्किट बनाना बताऊंगा, जो कि ऑटो कट के साथ आता है। बैटरी फुल चार्ज होने के बाद ऑटो कट कर देगा। सो ये वीडियो काफी ज्यादा नॉलेजेबल है, इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर से देखना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो इसे बनाने के हमें बस इतने ही कंपोनेंट्स चाहिए। सबसे पहले जो कंपोनेंट है वो है TL431। आप लोगों को ये कोई भी दुकान पे बड़े आसानी से मिल जाएगा, या फिर कोई ओल्ड पावर सप्लाई सर्किट में ये TL431 संट रेगुलेटर मिल जाएगा। इसे जीनर डायोड भी कहते हैं, एडजस्टेबल जीनर डायोड। ओके, सेकंड कंपोनेंट जो है प्रीसेट, 10K का प्रीसेट यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूँ। एंड अगला कंपोनेंट है 14007 डायोड एंड 1K का रजिस्टर। ये भी काफी कॉमन है, बड़े आसानी से आप लोगों को ये मिल जाएगा। एंड अगला कंपोनेंट है बजर। इसके बदले आप लोग एलईडी का यूज कर सकते हैं, या फिर बजर एलईडी का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं बजर इसलिए यूज करूँ, जब ये फुल चार्ज हो जाएगा तो बजर भी करना स्टार्ट हो जाएगा। एंड लास्ट कॉम्पोनेंट है, सेकेंड लास्ट कॉम्पोनेंट है, वो है एलईडी। जब हमारा बैटरी चार्ज हो रहा होगा तो एक रेड एलईडी भी तो इंडिकेट करना चाहिए ना। एंड लास्ट कॉम्पोनेंट है हमारा 6 वोल्ट का रिले। बस इतने ही कॉम्पोनेंट चाहिए हमें इस सर्किट को बनाने के लिए। एंड सर्किट काफी इजी, वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखना तो आप लोग बड़ी आसानी से इस सर्किट को बना लोगे। सो या सर्किट को बनाते हैं। सो यहाँ पर मैंने ट्रिम पोर्ट के टर्मिनल्स को कुछ इस प्रकार से फोल्ड कर दिया, जिससे कि सोल्डरिंग करने में काफी आसानी हो। यहाँ पर अब आप लोगों को TL431 ले लेना है, एंड जो उसका पहला टर्मिनल है उसे ट्रिम पोर्ट के सेंटर वाले टर्मिनल से सोल्ड कर लेना है। अगर आप प्रीसेट भी यूज कर रहे हैं तो ऐसे कुछ इसी प्रकार से वो वायरिंग रहेगी। जो प्रीसेट का बीच वाला टर्मिनल होगा उसे TL431 के फर्स्ट टर्मिनल से सोल्ड कर लेना है, एंड सेकंड वाला जो टर्मिनल रहेगा उसे थर्ड पिन से या फिर फर्स्ट पिन से प्रीसेट के सोल्ड कर लेना है, कुछ इस प्रकार से। आई होप कि आप लोग यहाँ पर कंफ्यूज नहीं हुए होंगे। अब यहाँ पर आप लोगों को रिले ले लेना है। रिले का जो कॉमन पिन है उसे शॉर्ट कर लेना है कॉइल पिन के साथ। ये वाला एंड ये वाला पिन हमारा कॉइल पिन होता है, एंड सेंटर वाला हमारा कॉमन पिन होता है। कॉमन पिन को कॉइल पिन के साथ शॉर्ट कर लेना है। अब जो हमारा जीनर डायोड है, आई मीन TL431 संट रेगुलेटर है, उससे कनेक्ट कर लेते हैं रिले को। थर्ड वाला जो पिन है संट रेगुलेटर का, उसको कनेक्ट करना है हमारे कॉइल पिन के साथ। ओके, यहाँ पर हमने कनेक्ट कर लिया रिले को संट रेगुलेटर के थर्ड पिन के साथ। अब यहाँ पर आप लोगों को बजर ले लेना है, या फिर एलईडी ले लेना है। ग्रीन एलईडी का भी यूज आप लोग कर सकते हैं। ओके, अब जो बजर है वो कनेक्ट होगा हमारे रिले पिन के साथ। पॉजिटिव वाला पिन को कनेक्ट करेंगे रिले के साथ। यहाँ पर कनेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर आप लोगों को 1K का रजिस्टर ले लेना है, लेकिन उससे पहले डायोड को सोल्ड करना। सो डायोड का जो ये पट्टी वाला पिन है उसे सोल्ड कर लेंगे हम लोग बजर के साथ। ओके, ये जो आपको ग्रे ग्रे पट्टी दिख रहा होगा उसे बजर के नेगेटिव टर्मिनल के साथ सोल्ड कर लेना है। बहुत इजी लैंग्वेज में आप लोगों को ये सर्किट बनाना बता रहा हूँ, जैसे कि जिसको नॉलेज भी नहीं है ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स का, वो भी इसे बना सके। ओके, अब यहाँ पर हम लोग ने इसे सोल्ड कर लिया। अब रजिस्टर को सोल्ड कर लेंगे जो संट रेगुलेटर है हमारा, उसके सेंट बेस वाले पिन से, बीच वाले पिन से सोल्ड कर दिया। बजर का नेगेटिव टर्मिनल उससे भी सोल्ड कर लेंगे। अब यहाँ पर हम लोग ले लेंगे रेड एलईडी। जो एलईडी का पॉजिटिव टर्मिनल है वो कनेक्ट होगा रिले के साथ, एंड जो नेगेटिव टर्मिनल है वो कनेक्ट होगा रजिस्टर के साथ। आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। एंड वीडियो को खामा खामा लंबा नहीं करना चाहता, जैसे कि आपका टाइम वेस्ट हो, डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट मैं बात कर रहा हूँ। ओके, एलईडी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसे कनेक्ट कर लिया मैंने रिले के साथ, एंड जो नेगेटिव टर्मिनल है उसे कनेक्ट कर लिया रजिस्टर के साथ। अब यहाँ पर हमारा ऑलमोस्ट सर्किट कंप्लीट हो चुका है, लेकिन कुछ कनेक्शन बाकी वो आप लोगों को मैं बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल वायर ले लेंगे रिले का, जो रिले के कॉइल पिन पर वायर सोल्ड कर लेंगे। यहाँ से ये जाएगा हमारे प्रीसेट के फर्स्ट पिन पर, लेकिन उससे पहले एक और वायर आप लोगों को सोल्ड करना है। यही हमारा इनपुट होगा। रिले से हमारा कनेक्शन होते हुए गया प्रीसेट का जो पिन नंबर 1 है उसके साथ। पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट कर लिया, अब नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट कर लेते हैं। नेगेटिव टर्मिनल हमारा संट रेगुलेटर के सेकंड पिन से कनेक्ट होगा। सो हमारा ये दोनों इनपुट वायर हमने कनेक्ट कर लिया। अब बैटरी होल्डर ले लेंगे। यहाँ पर मैंने बैटरी होल्डर ले लिया है। जो इसका नेगेटिव टर्मिनल है वो डायोड से कनेक्ट होगा। फटाफट से कनेक्ट कर लेते हैं।
हमारा सर्किट ऑलमोस्ट रेडी होने वाला है, कितना टाइम लगा? ओके, यहाँ पर मैंने एक सोल्ड कर दिया एंड जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो कनेक्ट होगा रिले से। ये रहा हमारा पॉजिटिव टर्मिनल, डन, हमारा सर्किट कंप्लीट हो चुका। कितना टाइम लगा इस सर्किट को बनाने के लिए? सो इसलिए बोलता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, काफ़ी यूजफुल वीडियोस मैं इस चैनल पर रेगुलरली डालता रहता हूँ। देखिए एक बार आप लोग सर्किट को देख लीजिए, कितना आसान है इस सर्किट को बनाना। ओके, अब इस सर्किट को चेक करके देखते हैं। सो इसे इनपुट देने के लिए मैं कुछ इस प्रकार के यूएसबी वायर का यूज़ करूँगा। सो यहाँ पर मैंने बैटरी को चार्जिंग पर लगा दिया। एज यू कैन सी कि रेड एलईडी इंडिकेट कर रहा है, यानी कि हमारा बैटरी चार्ज हो रहा है। बैटरी फुल चार्ज होने के बाद हमारा बजर बीप करना स्टार्ट हो जाएगा। सो वेट करते हैं। 2000 years later. सो एज यू कैन सी गाइस कि बजर बीप कर रहा है, हमारा बैटरी जो होती है फुल चार्ज हो गया। मैं आप लोगों को चेक करके दिखाता हूँ। बजर के ऊपर मैंने उंगली रख दी जिससे कि आपको मेरी वॉइस है जो कि है सुनाई दे। इसे मैं ऑफ कर देता हूँ। सो मैं आप लोग को वोल्टेज चेक करके दिखाता हूँ कि हमारा बैटरी कितना चार्ज हो गया। सो एज यू कैन सी कि गाइस 3.85 वोल्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को प्रीसेट को एडजस्ट कर लेना कि कितने वोल्ट पे आप लोगों को इस सर्किट को ऑटो कट करना है। फिर जब ये हमारा बैटरी उस पॉइंट पर चार्ज हो जाएगा तो ये ऑटो कट ऑटोमेटिकली कर देगा। सो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है प्लीज़ लाइक करना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना एंड या देखा ना कितना यूजफुल सर्किट था, इसलिए बोलता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। ये यूजफुल सर्किट आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।